नमस्कार दोस्तों, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आईबीएस यानी इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम, एक ऐसी समस्या जो युवा वर्ग में ज्यादा हो रही है। और युवा वर्ग की बात करें, लगभग 18 वर्ष से लेकर 30 वर्ष के जो व्यक्ति हैं उन लोगों में ये समस्या निरंतर देखने को मिल रही है। चाहे हम महिलाओं की बात करें या हम पुरुषों की बात करें, दोनों में ये समस्या हो रही है। आज हमारे देश की लगभग 15% आबादी आईबीएस जैसी बीमारी से पीड़ित है, और इसका सबसे बड़ा कारण होता है हमें जानकारी नहीं है। हम निरंतर गलतियां करते जाते हैं और आईबीएस जैसी बीमारी से हम निरंतर पीड़ित होते जाते हैं। आईबीएस मतलब इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम, यानी इरिटेट हो जाना। बॉवेल मतलब हमारी आंख, और सिंड्रोम मतलब ग्रुप ऑफ डिजीज, यानी कि जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है उसका फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है, उसके बहुत सारे केमिकल ठीक प्रकार से नहीं बन रहे होते, वो ठीक प्रकार से अपना कार्य नहीं कर पा रहे, जिसके कारण से ये दिक्कत हो जाती है। हम जो भी खाना खाते हैं, मुंह के द्वारा हमने खाना खाया, वो एक प्रोसेस से गुजरता हुआ हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है, और वहां एक मूवमेंट हो रही होती है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। जब उसका फंक्शन ठीक हो जाता है, वह निरंतर जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है, जब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो रही होती है, तो वहां कॉन्स्ट्रिक्शन और रिलैक्सेशन प्रोसेस चल रहा होता है, इधर कॉन्स्ट्रिक्ट इधर रिलैक्सेशन। जब कॉन्स्ट्रिक्शन ज्यादा होता है और रिलैक्सेशन कम हो जाता है, उस कंडीशन में व्यक्ति को लूज मोशन हो जाता है, और जब रिलैक्सेशन ज्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन में कई बार देखा जाता है कि कॉन्स्टिपेशन भी व्यक्ति को हो जाता है। इसीलिए ऐसे पेशेंट जिनको आईबीएस है, वो निरंतर कंप्लेंट करते हैं कि मुझे कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कभी लूज मोशन हो जाता है, तो ऐसा देखने को मिलता है। जो लोग टेंशन में ज्यादा रहते हैं, जिनको किसी प्रकार की एंजाइटी रहती है, जिन लोगों को काफी लंबे समय से डिप्रेशन रहता है, या वो किसी बीमारी के लिए काफी लंबे समय से किसी प्रकार की मेडिसिन ले रहे हैं, उसके कारण से भी कई बार आईबीएस हो जाता है, ऐसा निरंतर देखा जाता है। ऐसे व्यक्तियों का वजन निरंतर कम हो रहा होता है। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं और वो निरंतर कंप्लेंट करते हैं कि उनका वजन 20 किलो 25 किलो तक भी कम हो गया है। जब हम उनको बात करते हैं, उनको चेक करते हैं, तो हमें पता चलता है कि उनका पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो चुका है। ऐसे लोग ना कोई काम कर पाते हैं, ना खाना खा पाते हैं, ना खाना पचता है, भूख नहीं लगती, नींद आती नहीं है, काम जो करते थे वो छूट गए हैं। डॉक्टर्स के पास जाते हैं, बहुत सारे टेस्ट रहते हैं, अल्ट्रासाउंड, कोलोनोस्कोपी, एंडोस्कोपी, एमआरआई, सीटी स्कैन, लेकिन रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आ रहा होता, और डॉक्टर कहते हैं कि आपके मन का वहम है, आपको कोई भी बीमारी नहीं है, लेकिन पेशेंट बहुत परेशान, बहुत दुखी हो चुका है, वो क्या करे। तो ऐसे लोग न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट ले सकते हैं। न्यूरोथेरेपी एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसमें ना कोई दवाई है, ना कोई दर्द है, ना कोई पेन है, ना कोई साइड इफेक्ट है, और आईबीएस जैसे रोगियों के लिए न्यूरोथेरेपी एक वरदान साबित हो रही है। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आए, देश के अलग अलग राज्य से आए, सभी एज ग्रुप के आए, और सभी को आश्चर्यचकित परिणाम देखने को मिल रहे हैं। अगर आपको आईबीएस है, नाभि नली कौड़ी धरण की समस्या है, या पेट की कोई समस्या है, या कोई अन्य समस्या भी है, तो आप न्यूरोथेरेपी उपचार अवश्य ट्राई करें। ऐसा नहीं है कि आप ठीक नहीं हो सकते। व्यक्ति निरंतर कंप्लेंट करते हैं कि मैं शायद ठीक नहीं होऊंगा, पता नहीं मुझे तो क्या बीमारी हो गई है, क्यों हो गई है, कैसे हो गई, नहीं समझ पाता। तो ऐसे रोगी भी 100% ठीक हो सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आईबीएस एक ऐसी बीमारी है, ना ये एक दिन में आती है, ना एक दिन में जाने वाली है, ये बिल्कुल सच्चाई है। थोड़ा समय जरूर लगेगा, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ऐसे लोगों को हल्का खाना खाना चाहिए, दूध और दूध से बनी जो चीजें हैं उनको अवॉइड करना चाहिए, पानी 10 से 12 ग्लास पानी पीना चाहिए, नींद प्रॉपर लेना चाहिए। उनको स्ट्रेस है, तनाव है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, तो इसको उनको दूर करना चाहिए, चाहे कोई भी कारण है उसको आपको ठीक करना है, जिससे कि आपकी ये समस्या सॉल्व हो सके। खाने में हल्का खाना ही खाएं, खाने का समय निश्चित जरूर करें, हल्की फुल्की एक्सरसाइज आप जरूर करें, और आपको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। आईबीएस पेशेंट को हमने देखा, और हमने जब उनको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कराई तो रिजल्ट्स उनको बहुत जल्दी आए हैं।
आप वजन उठाते हैं, आप कोई ऐसा कार्य करते हैं तो कुछ दिन के लिए आपको अवॉइड कर देना चाहिए, तो निश्चित ही आपकी ये समस्या हमेशा के लिए ठीक हो सकती है। चाहे आपकी बॉडी में कोई भी लक्षण आते हैं, चाहे आपको कॉन्स्टिपेशन है, चाहे आपको लूज मोशन है, मरोड़ है, टन चुभन, ब्लोटिंग, पेट में दर्द, हेडेक, डिप्रेशन, ये सभी समस्याएं बिल्कुल ठीक हो सकती है और आप पहले की तरह स्वस्थ हो सकते हैं। और अगर आपका वजन बहुत ज्यादा कम हो रहा है तो धीरे 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 वो रिकवरी हो सकती है और आप पहले की तरह हेल्दी हो सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव हो सकती है और जो आप IBS जैसी बीमारी को लेकर बहुत चिंतित थे उसका समाधान भी आज आपको अवश्य ही मिल गया होगा। दोस्तों आप अगर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन जरूर दबा दें जिससे कि जो भी वीडियो हेल्थ पर हम बनाए उसका नोटिफिकेशन टाइम टाइम आपको मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।